हेलो गाइस, वेलकम टू डे गेसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी बहुत ही अच्छा डिवाइस माइक्रोमैक्स ने लॉन्च करा था 10,000 की प्राइस पॉइंट पे। बट यहां पर माइक्रोमैक्स एक और एक नए डिवाइस के साथ में आ गया जो कि सक्सेसर आप बोल सकते हो कैनवास इन्फिनिटी प्रो नाम का ये मॉडल लॉन्च हुआ है। तो गाइस, क्यों ना दोनों फोन को कंपेयर करके देख लिया जाए कि माइक्रोमैक्स ने क्या चेंजेस कराए, क्या डिफरेंस कराए, कितना प्राइस का डिफरेंस है और कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो गाइस, जो प्रो वाला मॉडल है वो आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे 7 दिसंबर रात 12 बजे से, और जो प्राइसिंग रखी गई है वो इसकी रखी गई है 14,000 रुपये। बात करते हैं जो नॉर्मल वाला वेरियंट जो कैनवास इन्फिनिटी का है, वो आपको अमेजोन एक्सक्लूसिव फोन है या फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है, 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। बहुत सी बार 9,500 भी प्राइसिंग इसकी हो जाती है। तो गाइस, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको दोनों में थोड़ा अलग बिल क्वालिटी मिलती है गाइस। जो प्रो वाला वेरिएंट है वहाँ पर आपको मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, थोड़ा राउंडेड टाइप का आपको कॉर्नर्स देखने को मिल जाएंगे बिल क्वालिटी के, अच्छी बिल क्वालिटी के साथ में आते हैं। वहीं बात करते हैं जो नॉर्मल वाला कैनवास इन्फिनिटी वाला जो पुराना वाला वेरिएंट है उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको बैक पैनल रिमूवेबल मिलता है प्लस बैटरी भी रिमूवेबल है। यहाँ भी आपको मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन तो नहीं मिलता, बट जो बैक जो पैनल है जो उसका वो मेटल का बना हुआ है। टॉप और बॉटम में आपको प्लास्टिक का पोर्शन वहां पर देखने को मिल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली जो प्रो वाला वेरिएंट है वो बेटर है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाले वेरिएंट से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले की। तो यार, डिस्प्ले में कोई चेंजेस वगैरह नहीं करा गए, दोनों में सेम डिस्प्ले है। तो दोनों का साथ में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 5.7 इंच का 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 18:9 रेशो के डिस्प्ले के साथ में आता है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1440x720p का रेजोल्यूशन मिलेगा और 2.5D कर्व ग्लास दोनों ही डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले को कोई हाथ वाथ लगाया नहीं गया है, सेम ही डिस्प्ले आपको यहाँ भी प्रो वाले वेरिएंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में यार HD फुल HD जैसे थे प्रो वाले वेरिएंट में तो ज़्यादा बेटर रहता, बट क्या कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको कैनवास इन्फिनिटी प्रो में आपको मिल जाएगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर जो कि 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक करा गया है, और यहाँ पर ये एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्रिनो का 505 का जीपीयू। वहीं बात करते हैं कैनवास इन्फिनिटी की, तो गाइस वहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर मिलता है, अगेन ये भी 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक करा गया है, बट ये क्वाड कोर का प्रोसेसर है। और जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रिनो का 308 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो गाइस, दोनों प्रोसेसर और जीपीयू में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली आपको जो स्नैपड्रैगन 430 है ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 425 से, और जो जीपीयू एड्रिनो का 505 वो भी बेटर है एड्रिनो 308 के जीपीयू से। डेफिनेटली जो गेमिंग परफॉर्मेंस है और डे टू डे टास्क है जो वो आपका प्रो वाले वेरिएंट में थोड़ा फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाले वेरिएंट से, बट एटलीस्ट जो प्रो वाला वेरिएंट है उसमें 14,000 की प्राइस पॉइंट रखी गई है। तो एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 450 या स्नैपड्रैगन 625 वहाँ पर दे सकते थे, बट 430 क्यों दिए पता नहीं यार वापिस से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के रैम और स्टोरेज की। तो यहाँ पर जो प्रो वाला वेरिएंट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 4GB की रैम, डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं नॉर्मल वाले वेरिएंट की, तो गाइस वहाँ पर आपको मिलती थी 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 3GB का रैम, और यहाँ भी आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो नए वाले वेरिएंट में आपको 1GB रैम मिल जाता है, स्टोरेज भी आपको डबल देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरा की, तो गाइस यहाँ पर जो कैनवास इन्फिनिटी प्रो है वहाँ पर आपको बैक में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ में, 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम कैनवास इन्फिनिटी की, तो वहाँ पर आपको बैक में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, अगेन ये भी आपको 2.0 अपर्चर के साथ में आता है, ये भी 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो गाइस कैनवास इन्फिनिटी प्रो में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है फ्रंट में। पहला क्या सेंसर है वो 20 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है। तो 20+8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा प्रो वाले वेरिएंट में। वहीं बात करते हैं गाइस यहाँ पर नॉर्मल वाले वेरिएंट की, तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा f2.0 का अपर्चर के साथ में। तो गाइस कौन सा कैमरा अच्छा रहने वाला है, रेयर कैमरा डेफिनेटली आपको जो नया वाला वेरिएंट है उसमें बेटर मिलेगा। और लो लाइट की बात करें तो दोनों ही कैमरा स्ट्रगल करने वाले, बैक कैमरे की बात करो, फ्रंट कैमरे की बात करते गाइस तो यहाँ पर आपको जो प्रो वाला वेरिएंट है डेफिनेटली यहाँ भी आपको वही इसमें ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का अच्छा खासा वाइड एंगल लेंस बना देते हैं। तो गाइस अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो प्लस अगर आपको वाइड एंगल सेल्फी वगैरह बहुत सारी लेते हो
तो डेफिनेटली आपको प्रो वाला वेरिएंट के लिए जाना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाले वेरिएंट से। नॉर्मल वाला वेरिएंट भी अच्छी खासी सेल्फी ले लेता है, बट प्रो वाले वेरिएंट में आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, बोके मोड वगैरह आपको अलग से मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है ये प्राइस पॉइंट को देखते हुए। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स की, तो दोनों फोन में आपको सभी तरीके के सेंसर मिल जाते हैं गाइस, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर। गाइस जायरोस्कोप आपको जो नॉर्मल वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, प्रो वाले वेरिएंट में आपको जायरो सेंसर मिल जाएगा। कंपास सेंसर दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों ही फोन में बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की, तो गाइस दोनों में सेम आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स नुगेट 7.1.2 के साथ में आता है। ओरियो का प्रॉमिस करा गया है, ओरियो का अपडेट आपको आने वाला है, और माइक्रोमैक्स की खुद की एक स्किन है वो यहाँ पर लगा के दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ की, तो कैनवास इन्फिनिटी प्रो में आपको मिलेगी 3000 mAh की बैटरी जो कि नॉन रिमूवेबल है, फास्ट चार्जिंग के साथ में नहीं आती है। वहीं बात करते हैं हम कैनवास इन्फिनिटी की, तो वहाँ पर आपको 2980 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक रिमूवेबल बैटरी है। तो गाइस दोनों में से कौन सी बैटरी अच्छे से परफॉर्म करेगी, तो गाइस दोनों की एवरेज बैटरी है। अगर नॉर्मल टू अगर आप 4G यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल टू मॉडरेट यूजर्स हो, तो फिर भी आपकी सुबह अगर चार्ज करते हो तो यार शाम तक आपकी ख़त्म होने वाली है। कैसा भी यूज़ करो एटलीस्ट आपको दिन या रात तक या आपको दिन में दो बार तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा आप नहीं लेके चल सकते हो क्या पूरा एक दिन चलेगी 4G पे। 4G अगर आप यूज़ करो तो एटलीस्ट आपको दो बार तो दिन में चार्ज करना पड़ेगी। तो बैटरी दोनों फ़ोन की एवरेज है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक से चल जाएगी। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। तो दोनों की प्राइसिंग 10,000 एक 14,000, और इतना ये प्राइस पॉइंट को 4,000 बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो यार बिल्ड क्वालिटी में आपको प्रो में अच्छी मिल जाएगी, डिस्प्ले दोनों का सेम है, प्रोसेसर भी आपको प्रो में अच्छा मिल जाएगा, रैम स्टोरेज भी प्रो में अच्छा मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको जो कैमरा है फ्रंट कैमरा एज वेल एज रेयर कैमरा भी प्रो वाले मॉडल में अच्छा मिलेगा। सेंसर दोनों में सेम है, और यहाँ पर आपको जो बैटरी लाइफ है वो भी सेम है, प्लस यूआई वगैरह भी सेम है। तो गाइस क्या आपको 4,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के, अगर आप कैनवास इन्फिनिटी यूज़ करो तो आपको 4,000 बढ़ा के लेना चाहिए। तो गाइस अगर आप कैनवास इन्फिनिटी यूज़ करो तो आपको नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली इतना कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है गाइस। हाँ, और अगर आपका 14,000 का बजट है, सिर्फ सेल्फी से ही मतलब है, वाइड एंगल सेल्फी चाहिए और व्लॉगिंग के लिए स्पेशली कैमरा चाहिए, ओप्पो वीवो के फ़ैन हो, मतलब आपको सेल्फी वाला फ़ोन चाहिए, तो गाइस आप ले सकते हो। वरना आप अगर उसके अलावा अगर आपका 14-15,000 का बजट है, तो गाइस मार्केट में बहुत सारे आपको फ़ोन मिल जाते हैं। ऑनर 7X भी लॉन्च होने वाला है, वो भी 15,000 के प्राइस पॉइंट पड़ेगा। मी A1 है, मोटोरोला का मोटो G5S प्लस है, थोड़ा प्राइस बढ़ाओगे तो गाइस आपको इन्फिनिक्स का 05 मिल जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन है गाइस। तो 14,000 में कैनवास वाला फ़ोन अगर आपको सेल्फी ही लेना है तो आप ले सकते हो प्रो वाला वेरियंट, वरना आप मत लो। 10,000 वाला यार मैं आपको रेकमेंड करूँगा, 10,000 में अच्छी खासी 16 MP की सेल्फी उसमें भी आपको देखने को मिल जाती। तो गाइस ये था दोनों फ़ोन का कंपैरिजन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और गाइस बहुत सारे लोग बोलते थे यार स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट मैं बोलता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में सोचा कि थोड़ा स्लो बोल के देख लेता हूँ कैसा कुछ आपको सुनने को मिलता है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।